जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गजानन गणपति महाराज की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आद्य शक्ति अम्बे मात की। अपने अपने कुल देवी मात की। मात पिता गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हम सबका चित्त
माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में लग जाए। हम सबका मन माँ के चरणों में लगे ऐसे शुद्ध भाव से आइए, दो क्षण माँ भगवती का संकीर्तन करते हैं। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ माँ अम्बे भवानी जय दुर्गा भवानी माँ, अम्बे माँ अम्बे भवानी जय दुर्गा भवानी माँ, अम्बे भवानी जय माँ काली भवानी जगदम्बे भवानी माँ, काली भवानी जगदम्बे माँ, काली भवानी जगदम्बे भवानी माँ, काली भवानी जगदम्बे माँ अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ माँ काली भवानी जगदम्बे भवानी माँ, काली भवानी जगदम्बे माँ, काली भवानी महालक्ष्मी भवानी माँ, काली भवानी निमा जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, 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 जय जय निमा बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। पराम्बा माँ भगवती आद्य शक्ति अम्बा और माँ जगदम्बा की परम कृपा से आयोजित इस दिव्य देवी भागवत के परम पावन अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए समस्त भाविक भक्तों को समक्ष समस्त भाविक गणों को खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। परमात्मा की असीम कृपा से सज्जनों हम सब मिलकर देवी भागवत का दिव्य श्रवण कर रहे हैं। माँ भगवती का ये ग्रंथ माँ जगदम्बा का पूर्ण स्वरूप है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भाव से मन लगाकर इन देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, इनका श्रवण करते हैं, इनका मनन करते हैं और इन कथा को जो भी व्यक्ति अपने हृदय में धारण करते हैं, माँ जगदम्बा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ जगदम्बा परम दयालु है। माँ शक्ति का एक अवतार है करुणा अवतार, माँ करुणा रूपी है। और सभी देवताओं के बारे में बताया गया है कि समस्त देवता कर्म का फल देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने तो भगवद गीता में स्पष्ट बता दिया, यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार चितुर्गच्छति। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे ऐसा फल देता है। सज्जनों बड़ा ही आश्चर्य आपको होगा, माँ जगदम्बा ये शक्ति ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति गलती से भी पाप कर देता है, गलती हो जाती है और बाद में जब क्षमा मांग लेता है तो माँ उसे माफ कर देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कर्म का फल तो मिलता ही है। हमने बुरा कर्म किया और दो चार लोगों का खून कर दिया और माता जी को कहेंगे माता जी सॉरी, बोलो जय श्री कृष्ण, तो माता जी माफ थोड़ी कर देंगे। कर्म का फल जरूर मिलेगा, परंतु हाँ उस कर्म का फल जब भुगतना आएगा तब यदि माँ की कृपा होगी तो हम उस कर्म के फल को
आराम से भुगत लेंगे, हमको उस दुख का अनुभव नहीं होगा। देवी भागवत में तो सज्जनों ये बताया है कि कभी कभी माँ के भक्त अपने कर्म के फल को अपने स्वप्न में भुगत लेते हैं। बुरा कर्म किया और बुरा स्वप्न आया, कर्म का फल पूरा। जब जब कर्म का फल भुगतने का आता है, तब तब यदि माँ की कृपा है, यदि हमारा थोड़ा सा किया हुआ सत्कर्म है, तो उस पूरे कर्म का फल जब हमें मिलेगा, तब हम सरलता से उस फल को भुगत पाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण एक इसके लिए है कर्म के सिद्धांत में, बहुत ध्यान दीजिएगा। दो मित्र थे और दोनों एक बाइक लेकर कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दोनों को बहुत भयंकर चोट लगी। सज्जनों ध्यान दीजिए, दोनों को अपने दाहिने पैर पर चोट लगी है, दोनों को एक ही अस्पताल में एडमिट किया गया, लगभग लगभग दोनों की दवाई भी एक जैसी है, दोनों को एक जैसी बॉटल लगी, एक जैसी पट्टी लगी, लगभग लगभग सब कुछ एक जैसा हुआ। दो चार दिन तक दोनों अस्पताल में रहे। देखो, कर्म किया था तो दोनों को फल तो मिला, कर्म के फल के जब मिल रहा था उस समय हुआ यूं कि दो तीन दिन के बाद जब ये दोनों लड़के जब अपने घर आए, तो एक बहुत करोड़पति का लड़का था और एक गरीब था, बोलो जय श्री कृष्ण। जो करोड़पति का लड़का था उसको चोट तो लगी है, पट्टी भी लगी है, दुख भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, परंतु इसी कमरे में बैठे बैठे टीवी देख रहा है और मूंगफली खा रहा है, दुख है, परंतु कहीं पर कुछ सत्कर्म है तो उस सत्कर्म का फल उसके पास सुख है। सुख के समय में ये दुख उसने भुगत लिया, पता नहीं चला। और वो दूसरा लड़का, वो गरीब था, घर में पंखा भी नहीं, और पड़ा पड़ा उसने अपने दुख के अनुभव को अनुभवा, उसको अनुभूति हुई। इसलिए शास्त्र सज्जनों शास्त्र में बताया गया है, जब जब सब समय मिले तब हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करने से यदि हमने पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया है, कुछ बुरा किया है, तो उसका फल जब मिलेगा तब हमारा सत्कर्म हमको उस फल को भुगतने में हमारी सहायता करेगा। प्रश्न हुआ सत्कर्म किसको कहते हैं, तो सत्कर्म के लिए बताया है व्रत, जप, तप, अनुष्ठान और दान, ये पांच सत्कर्म के अंग बताए हैं। समय समय पर व्रत करना चाहिए और व्रत भी भूखे रहकर, बोलो जय श्री कृष्ण। अहमदाबाद की 11 नहीं और सूरत की भी नहीं, हमारे कहावत होती है सूरत नु जमण और काशी नु मरण, अमेरिका में आके मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, सुरतियों नु जमण, बोलो जय श्री कृष्ण। पटेलो एवं खावानु बनावे, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, आज श्रीखंड अच्छा था, बोलो अम्बे मात की, ठीक नहीं था राइट। हमारे तो शास्त्रों में बताया खाना अच्छा खाएंगे तो जय भी अच्छी निकलेगी। एक बार एक पंडित जी आशीर्वाद दे रहे थे किसी को, किसी ने 1 रुपया दिया और पंडित जी आशीर्वाद दे दो, पंडित जी ने कहा जितना अच्छा जाएगा इतना अच्छा आशीर्वाद निकलेगा, बोलो जय श्री कृष्णा। ये नियम होता है भैया, तो जितना अच्छा श्रीखंड गया इतनी अच्छी जोर से जय निकलनी चाहिए। अभी पता चलेगा पटेलों ने श्रीखंड कैसा बनाया, बोलो अम्बे मात की, क्या बात है, अच्छा था। कहने का तात्पर्य व्रत ये सबसे पहला माध्यम है, व्रत करना चाहिए, व्रत के साथ जप। हम पूरा दिन व्रत करेंगे, भूखे रहेंगे, पर टीवी देखते रहेंगे, तो व्रत का कोई फायदा नहीं है। व्रत करने के बाद हमारा मन तप में जप में लगना चाहिए, यथाशक्ति उस दिन यथाशक्ति माँ भगवती का जप करना चाहिए, कोई भी एक मूल मंत्र का जप करना चाहिए। व्रत, जप और बाद में बताया है तप। जब व्रत करते हैं तो तप करना चाहिए। तप कहते हैं शारीरिक कष्ट को। शास्त्र में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, अंजना भ्यंजनोन मर्दः स्रलेखा विषमदूस गंधलेपालंकारा त्यजेयुर्ये धृतव्रताः। जिसने व्रत धारण किया है उनको भूशयन यानी जमीन पर सोना चाहिए, दिन में 3 स्नान करना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। और करना क्या है सज्जनों ध्यान दीजिए, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन क्या करना है, तो शास्त्र में बताया है वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः।
जिस दिन व्रत किया है उस दिन वाणी गुणानुकथने, इस वाणी को गुणगान गाने में लगाना चाहिए, नहीं कि किसी की निंदा में। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी वाणी से भगवान के गुणगान गाना चाहिए। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान को कथा सुनने में लगाना चाहिए। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथों से अपने घर में जो मंदिर है उस मंदिर की सेवा और पूजा होनी चाहिए। भागवत ग्रंथ में तो बताया है कि जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन भगवान के पूरे मंदिर को साफ करना चाहिए और अपने हाथ से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि व्यास जी को पहले से पता था 30 दिन का लड्डू एक साथ बन जाएगा और रोज एक एक लड्डू चढ़ाएंगे। कई लोग तो 1 किलो मिश्री ले आते हैं और 1 किलो मिश्री रोज चढ़ती है जरा जरा कटोरे में। और अहमदाबाद में तो इतने बुद्धिशाली होते हमारे वाले अहमदाबादी, 2 डिब्बा रखते हैं, एक एक शुद्ध मिश्री और एक प्रसाद मिश्री, यहां से चढ़ाना है और यहां से डब्बे में सेव करना है, पची कोक दाड़ो खाड़ना हो तो चाले। बोलो जय श्री कृष्ण। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथों से भगवान को व्रत के दिन सुंदर भोग लगाकर भगवान को भोजन कराना चाहिए। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, अपने मन को माँ भगवती के चरणों में लगाकर मन से निरंतर उसका कीर्तन मनन और दर्शन करना चाहिए। ये सब व्रत के नियम है, व्रत जप तप और बाद में बताया है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है एक आसन पर बैठकर मन से संकल्प करना है कि माँ मुझे ये चाहिए और इस वस्तु की अपेक्षा के लिए मैं इस मंत्र का जप करता हूं, इसको कहते अनुष्ठान। संकल्प करना चाहिए, पूजा से पहले भगवान से कहना है प्रभु मुझे इतनी वस्तु चाहिए, आपसे आपकी कृपा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चाहिए, इसलिए भगवान मैं आपका जप कर रहा हूं। क्योंकि कहावत है मांगा वगर तो माई पीर से नहीं, भगवान के पास कभी कभी मांगना चाहिए, मांगेंगे तो भगवान उसमें से जो अच्छा होगा वो हमें दे देंगे। और शास्त्र में बताया गया है संकल्प करते हैं जब और बाद में जब जप करते हैं तो उस जप करते करते हमने जो भगवान से मांगा है उसी को मन में सोचना चाहिए, उसी का चिंतन करते करते जप करना चाहिए। प्रायः शुक्रवार को सब लोग महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। बोलो महालक्ष्मी मात की, जो लक्ष्मी जी ने जय बोलो हमको इनके क्या उतना पड़े, लक्ष्मी जी की जय सब बोलते हैं। तो महालक्ष्मी का व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है और व्रत जब करते हैं उसकी कथा पढ़ते हैं और बाद में सब लोग बोलते कि हे लक्ष्मी माता तुमने जैसा शिला को फल दिया वैसा हमें भी देना, ऐसा बोलते हैं। पर आज तक किसी को मिला नहीं क्योंकि औरतों के पॉकेट में पैसा बचता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सो आप ये तो बसों न खर्चो करें, कभी पैसा टीका नहीं। क्यों? आप जब वो लक्ष्मी जी की कथा पढ़ेंगे ना तो कथा में ऐसी बात आती है कि शिला नाम की एक स्त्री थी, उसका पति बिगड़ गया था, दारू पीता था, जुगाड़ खेलता था, तो उसको ठीक करने के लिए इसने शुक्रवार में महालक्ष्मी का व्रत किया। कहा महालक्ष्मी माता मेरे पति को सुधार दो। तो मन में सोचती थी फूल चढ़ाते, हे लक्ष्मी माता मेरा पति सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, ऐसा सोचते सोचते पूजा करती थी इसलिए उसका पति सुधर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और हम कथा शुरू करते और कुकर रखते हैं खिचड़ी का, एक सीटी हुई अध्याय बीजो, अभी 3 और बाकी है, चिंटू ध्यान देना 3 हो जाए तो कुकर बंद कर देना, मन तो वहीं पर है और पूजा हो रही, इसलिए फल मिलता नहीं। जब अनुष्ठान करते हैं तो मन उस भगवान में लगाना चाहिए, तब वो अनुष्ठान फलीभूत होता है। और अंतिम उपाय बताया है दानम। समय समय पर जब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई गरीब दिख जाए, जो आवश्यक व्यक्ति दिख जाए, उसको यथाशक्ति धन देकर दान करना चाहिए। दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। और ये सब कर्म यदि नवरात्रि के पर्व में किया जाए तो उसका अद्भुत फल मिलता है। इसलिए देवी भागवत में नवरात्रि का उपाख्यान सुना रहे थे। कल हमने चैत नवरात्रि के बारे में सुना। पूरे वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। सबसे पहली नवरात्रि आश्विन नवरात्रि, जिसमें हम माँ भगवती के गरबा गाते हैं, हम माँ भगवती का कीर्तन अर्चन करते हैं, ये प्रकट नवरात्रि है। दूसरी नवरात्रि बताई चैत्र नवरात्रि, जिसमें घर में बैठकर माँ भगवती की कथा वगैरह सुनकर माँ की पूजा करनी चाहिए, ये गुप्त नवरात्रि है जिसको कहते हैं चैत्र नवरात्रि।
और उसके बाद एक अत्यंत गुप्ततर नवरात्रि आती है जो है माघी नवरात्रि। माघ मास में एक नवरात्रि आती है जो हम सब नहीं कर सकते और नहीं करते प्रायः। ये नवरात्रि ज्यादातर योगी पुरुष करते हैं। सज्जनों आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, कभी कभी हम सुनते हैं ना तो ये सब बातें हमारे दिमाग को ठीक नहीं बैठती, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है। आज भी हिमालय के ऊपर हजारों सालों से नागा बाबा तप करते हैं और इन नागा बाबाओं का नियम होता है जब ये माघी नवरात्रि आती है उन नवरात्रि में ये जो दिगंबर अघोरी महात्मा होते हैं वो महात्मा माँ भगवती गायत्री की गुप्त उपासना करते हैं और 12 साल तक एक व्यक्ति 12 साल की 12 नवरात्रि को जब वो पूरा कर लेता है तो उसके बाद वाले कुंभ मेले में वो महामंडलेश्वर बनता है। ये नियम होता है। तो 12 साल के बाद जब वो कुंभ मेला आता है तो इतने सालों से जो उन्होंने ये नवरात्रि का व्रत किया, माघी नवरात्रि जो गुप्ततर नवरात्रि है, उस नवरात्रि के फल स्वरूप वो आते हैं घाट पर और उसमें 4 शाही स्नान होता है। चारों शाही स्नान में ये स्नान करते हैं और माँ को कहते हैं, माँ मैंने जो व्रत किया, मैंने जो तप किया वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो संसारी है नहीं, चिंता हमें और आपको है क्योंकि हमें पूरा संसार है, परिवार है, पुत्र है, सगे संबंधी इष्ट मित्र है, उनको कोई नहीं है, इसलिए वो लोग जो व्रत करते हैं उनका फल माँ भगवती गंगा को समर्पित कर देते हैं। माँ गंगा तू सबका पाप लेती है, आज हमें 12 साल का पुण्य माँ हम आपको दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले नागा बाबा स्नान करते हैं और फिर सब में हम लोग जाते हैं कि कहीं उनके पुण्य से थोड़ा पुण्य हमें मिल जाए। तो ये माघी नवरात्रि का महत्व, सब लोग उसको नहीं करते। और उसके बाद में उसका भी बड़ा ही गहन और गुप्त रीति से देवी भागवत में उसका व्रत अनुष्ठान दिया गया है, परंतु प्रायः संसारी लोग इस व्रत को नहीं किया करते। उसके बाद में हम सब करते हैं, ऐसी एक नवरात्रि आती है वो है पोषी नवरात्रि, जिसको शाकंभरी नवरात्रि कहा गया है। एक बार हुआ, सज्जनों ध्यान दीजिए, नंदी भगवान शिव के माध्यम से उन्होंने पूरी कथा सुन ली, पूरी कथा को सुना, सब कुछ जाना और जहां जहां बात आई तो सज्जनों मनुष्य की ही बात आई, बोलो जय श्री कृष्ण। व्यक्ति को ये करना चाहिए, मनुष्य को ये करना चाहिए, धन के लिए महालक्ष्मी, शक्ति के लिए महाकाली, विद्या के लिए महासरस्वती, ये करना वो करना। नंदी ने दो हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु आपने जितने भी नित्य नियम बनाए तो मनुष्य के लिए बनाए, प्रभु हम जीव जंतुओं का उद्धार कौन करेगा, छोटे छोटे जो जीव जंतु है पापवश गलती कर बैठते हैं और उस कर दुष्कर्म का फल भुगतने के लिए जिसको मनुष्य की योनि नहीं मिलती और जिनको पशु बन जाना पड़ता है, माँ उन पशुओं का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके बताइए। भगवान शिव ने बताया, सुनो नंदी, पशुओं के उद्धार के लिए और प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए, छोटे छोटे जीवात्माओं के लिए माँ भगवती दुर्गा ने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने 3 अवतार धारण किए हैं और वो 3 अवतार है गंगा, यमुना और सरस्वती। महाकाली ने, माँ भगवती पार्वती ने माँ गंगा का रूप लिया है और गंगा के रूप में पूरे विश्व को आप्लावित करके पूरे विश्व को पवित्र कर दी। जीव जंतु भी काशी में जाकर गंगा जल पीते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। काशी में मृत्यु जिसकी होती है उसको मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है बहुत व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, पर गलती से भी कोई पाप हो जाता है तो वृंदावन में गधा बनना पड़ता है, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अच्छा कर्म किया तो वृंदावन जैसा वैसी उत्तम जगह मिली, तीर्थ मिला, और बुरा कर्म किया था इसलिए वहां गधा बनना पड़ा, परंतु हाँ गधा बनकर भी वहां मुक्ति मिल जाती है क्योंकि वहां माँ यमुना है। तो छोटे छोटे जीवात्माओं के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 माँ भगवती का रूप है। ध्यान दीजिए सज्जनों, सबसे पहला अवतार माँ भगवती का है, माँ भगवती गंगा के रूप में। कुछ कथा आप सब उस कथा से विदित है, देवी भागवत में बहुत विस्तार से बताया है, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में कहता हूं।
बहुत वर्ष पूर्व एक मांधाता ऋषि थे और मांधाता ऋषि के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, हरिश्चंद्र ये सत्यवादी जितेंद्रिय और परम सत्य के उपासक थे। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए असमंजस और असमंजस के पुत्र हुए सगर राजा। असमंजस ने शादी किया, सात पत्नी थी परंतु पुत्र नहीं हुआ, इसलिए असमंजस ने ब्रह्मा जी की उपासना की, भगवान से कहा ऐसा मंत्र दीजिए जिस मंत्र से मेरे अनेक पुत्र हो जाए। एक मंत्र दिया और मंत्र उन्होंने 60,000 बार बोला, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा जाता है 60,000 पुत्र हो गए, असंख्य पुत्र उनके हो गए। और पिता ने कहा जाओ एक काम करो, पूरे विश्व को जीत कर मुझे विश्वजीत राजा बना दो। और बाद में ये जो असमंजस राजा थे उनकी एक जो सबसे अंतिम पत्नी थी वो पत्नी गर्भवती हुई और छह पत्नियों को गुस्सा आया, यदि इसका पुत्र हो जाएगा तो हमारा कोई मान नहीं रहेगा, इसलिए और छह पत्नियों ने मिलकर छोटी जो पत्नी थी उसको जहर दे दिया। और जैसे ही जहर अंदर गया उसने सोचा कि मेरा पुत्र मर जाएगा, तो उसने मंत्र विद्या से पत्थर के द्वारा अपना गर्भपात किया और उस बालक को बाहर निकाल दिया, परंतु वो बालक जीवित रहा मगर जहर के साथ वो पैदा हुआ। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर, तो गरेण सहिता, गर यानी जहर के साथ जो आया उसका नाम हुआ सगर राजा। इस सगर राजा उनके 60,000 जो संतानी थी वो सब मिलकर पृथ्वी को जीतने के लिए गए। 60,000 जो पुत्र थे वो सब कलकत्ता में गंगा सागर नाम का एक तीर्थ है, वहां एक कपिल मुनि का आश्रम था, वहां कामधेनु गाय को बांधा था। ये पुत्र वहां पर गए, ऋषि तप कर रहे थे, बिना पूछे गाय को छोड़ा लेकर भाग रहे थे कामधेनु गाय को, और वहां एक विश्वजीत यज्ञ का एक अश्व यानी घोड़ा बांधा था, उस घोड़े को लेकर जा रहे थे। और जा रहे थे ऋषि की आंख खुल गई, आंखें खोली और सब जलकर भस्म हो गए, उनके भस्म का ढेर बड़ा हो गया। समय के बाद सगर राजा वहां पर पहुंचे और सोचा इनका उद्धार कैसे होगा। कपिल मुनि से निवेदन किया कि प्रभु आप कृपा करो। कपिल ने कहा अब तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता, अब एक काम है महादेव की उपासना करो, और यदि महादेव की पत्नी माँ भगवती पार्वती गंगा के रूप में परम पावन पवित्र जल बनकर यदि पृथ्वी पर आ जाए तभी इन जीवों का, इन हड्डियों का और इन भस्म का उद्धार हो सकता है, ये सब प्रेत बन चुके हैं। उन्होंने महादेव की उपासना की, माँ भगवती पार्वती को मनाया, माँ आप जगत जननी जगदम्बा हो, माँ आप कृपा करो और इस पृथ्वी पर जो छोटे छोटे जीवात्मा है, छोटे छोटे कण है, माँ इस पृथ्वी पर असंख्य पशु पक्षियाँ है, उन पशु पक्षियों के उद्धार के लिए और मेरे जो वंशज है उनके उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर आइए। बहुत सालों तक व्रत किया, फल नहीं मिला, करते 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 उनकी पेढ़ी में अनेक पुत्र हुए, किसी से भी माँ जगदम्बा प्रसन्न नहीं हुई। और कहा जाता है भगीरथ राजा ने घोर तपस्या की और माँ भगीरथ ने माँ भगवती को प्रसन्न किया। भगवती ने कहा मैं गंगा बनने के लिए तैयार हूँ परंतु मेरा वेग, मेरी शक्ति और मेरा पानी का स्रोत कौन सहन कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे सहन कर ले। तो शास्त्र में कहा गया है स्त्री को एक पुरुष ही सहन कर सकता है, बोलो जय श्री कृष्ण, इसलिए स्त्री सहन सकती है, ऐसे कहते हैं। तुरंत जवाब दिया माँ आपकी शक्ति आपके वेग को मेरे महादेव सहन करेंगे, वो धारण करेंगे। महादेव को मनाया, महादेव ने कहा मैं उस भगवती के जल को अपने मस्तक पर धारण कराऊं करूंगा, ले आओ उस देवी को, गंगा को। गंगा प्रसन्न हुई, गंगा ने कहा भगीरथ राजा आप जहां जहां जाओगे मैं आपके पीछे पीछे वहां आऊंगी। आकाश से, ब्रह्मलोक से सुरनरी गंगा बहने लगी, माँ भगवती का ही ये एक अवतार है, माँ जल बनकर परम पावन पवित्र जल बनकर वहां से बही। ब्रह्मा ने उस जल को अपने कमंडल में भर लिया, कहा ये पानी रहेगा तो घर में कभी अपवित्रता नहीं आएगी, तब से नियम है घर में डिब्बी गंगा जल जरूर रखना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण, रखने से पूरा घर अपवित्र नहीं होता। ब्रह्मा ने कमंडल जल में जल भर दिया,
वहां से गंगा को निकाला और भगवान नारायण ने अपना पैर धर दिया, बोलो जय श्री कृष्ण, और गंगा ने भगवान नारायण के चरण को धोया। वहां से सुरनदी गंगा माँ भगवती आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते माँ भगवती गंगा पृथ्वी पर आ रही थी और महादेव अपने केश को निकालकर अपनी जटाओं को खोलकर खड़े हो गए और सरनरी वो गंगा महादेव की जटा में आई। आते आते गंगा जी को अभिमान हो गया कि शायद ही महादेव मुझे सहन कर पाए, मैं पृथ्वी को तोड़कर पाताल में चली जाऊंगी। महादेव ने कहा अभिमान नहीं चलेगा, इसलिए महादेव ने गंगा को लिया, अपनी जटा में रखा और जटा बांध दी, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी जटा बांधी, गंगा अंदर गोल गोल घूमती रही, बाहर जाने की रास्ता ही नहीं, बाहर जाऊं कहां से। महादेव को कहा महादेव माफ करो, मैं आपके इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाई। महादेव ने कहा अति पतितः गंगा नाम भवति विनिपातः सतमुखः। हे माँ, आप लोगों के पाप को धोने जा रही हो, और जो व्यक्ति दूसरे का कल्याण करता है यदि उसके मन में अभिमान है तो वो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। आपको निर्मल बनना पड़ेगा, आप में पैर धोने वाले भी, आप में हाथ धोने वाले भी, आप में कचरा डालने वाले का भी आपको कल्याण करना पड़ेगा, आप निर्मल बन जाओ। गंगा ने माफी मांगी, महादेव ने एक जटा खोली और माँ भगवती गंगा बहती हुई सर्वप्रथम पृथ्वी पर आई, और जहां से माँ गंगा पृथ्वी में गई, पर्वत से बाहर आई, उसको हम गंगोत्री धाम कहते हैं, जो हमारे भारत में उत्तर में चार धामों में से एक है जिसका नाम है गंगोत्री। वहां से माँ गंगा जी आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते आगे आगे भगीरथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा जा रही है, इतना वेग इतना पानी कि आसपास कहीं देखा नहीं। दूर एक जनु ऋषि तप कर रहे थे, जनु ऋषि के जो पात्र थे कुटिया बुटिया सब गंगा जी ने उड़ा दिया, और जनु को आया गुस्सा। एक बूंद पानी जैसे पीते हैं हम हाथ में लेकर, वैसे ही जनु ऋषि ने पूरी गंगा को हाथ में लेकर पी गए, बोलो जय श्री कृष्ण, तुरंत पानी पी गए और पूरी गंगा जनु के पेट में चली गई। गंगा को पता चला यहाँ के देव भी भयंकर है और भगवान से भी ज्यादा तो उनके भक्त भयंकर है, जो पेट में, क्योंकि भगवान से ज्यादा शक्ति उनके भक्तों में रहती है। यहाँ के ऋषि मुनि कितने तपस्वी है। जनहू से माफी मांगी, मुझे आपकी पुत्री बना दो और मुझे बाहर निकालो, मैं जग के कल्याण के लिए आई हूं। ठीक है गंगा, यदि मुख से निकालूंगा तो तुम वमन यानी उल्टी तुम अपवित्र हो जाओगी, अधो भाग से निकालूंगा तो वो भी मूत्र अपवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी जांघ से निकालता हूँ, आज से लोग तुम्हें जाह्नवी कहेंगे। जन्हू ने अपनी जंघा तोड़ी और जंघा से माँ गंगा को प्रकट किया और माँ भगवती का एक नाम जाह्नवी हो गया। वहां से आगे बढ़ी तो सात ऋषि बैठे थे, बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा को आया चक्कर, एक मेरे को पी गई थी तो सात है, धीरे से सटक लो। इसलिए गंगा एक थी परंतु सज्जनों एक गंगा के छोटे 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 सात धाराएं बन गई जिसको हम सतो धारा कहते हैं। आज भी बद्री से ऊपर है, आप कभी जाओ दर्शन करने तो देखना, बद्री केदार से ऊपर माना पर्वत है, माना पर्वत से ऊपर जाएंगे तो एक ही गंगा के आपको सात धाराएं दिखेगी जिसको हम सतो धारा कहते हैं। आगे आगे भगीरथ जा रहा है, उसके पीछे पीछे गंगा बढ़ने लगी, बहते 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 ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में ऋषियों ने अपने केश को धोया, इसलिए उसका नाम ऋषिकेशी हो गया। वहां से आगे आए तो एक दरवाजा आया, बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा ने कहा ये कौन सा दरवाजा है, तो लोगों ने कहा यहां से धरती का भाग शुरू हो रहा है, अभी तक ऊपर था वो सब स्वर्ग था, और ये जो दरवाजा है ना वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का दरवाजा है, इसलिए इसको हरिद्वार कहते हैं। गंगा जी वहां रुक गई और वहां खड़ी होकर वो हिसाब करने लगी, कौन कितना पाप करता है, कौन कितना पुण्य करता है और किसको कहां भेजना है, बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा जहां ठहरी जहां रुकी उसको हम हर की पेढ़ी कहते हैं, इसलिए लोग जाते हैं और पेढ़ी में नाम लिखाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। वहां जाकर नाम लिखाना चाहिए, शायद आप जाएंगे तो आप कहें ना हम इस गांव के हैं, इस घर के हैं, तो सज्जनों आपके परदादा नाना का नाम वहां से निकलेगा, हमारे परिवार वाले यहाँ आकर गए हैं। वो बहुत पूरा एक ऐसी अद्भुत दिव्य परंपरा है उस गंगा की।
हरिद्वार में आई, हरिद्वार से माँ भगवती गंगा धीरे धीरे सबको पावन करती हुई आगे बढ़ी, बढ़ते 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 आगे जाकर काशी नगर आया और काशी में अन्नपूर्णा ने मना कर दिया, यहाँ आना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, यहाँ मैं अकेली हूँ मेरे महादेव की, तुम्हारा क्या काम है? सज्जनों ध्यान दीजिएगा, जब हरिश्चंद्र राजा थे उस समय वरुणा नदी थी, ये गंगा तो बाद में आई है। उस वरुणा नदी के घाट पर एक श्मशान था, वहां पर हरिश्चंद्र राजा ने अपनी पत्नी तारामती और रोहित को बेच दिया था, ये कथा है। वहां वरुणा नदी थी और अब गंगा आई तो अन्नपूर्णा ने मना कर दिया कि हमारे पास एक छोटी सी वरुणा नदी है वो पर्याप्त है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत है तुम इधर से चली जाओ। गंगा ने कहा महादेव ये क्या, आपके मस्तक से निकली प्रभु, मुझे आप पर जरा सा जल चढ़ाने की इच्छा है प्रभु, मैं आपके चरणों की धूल बनना चाहती हूँ। महादेव ने अन्नपूर्णा को कहा अन्नपूर्णा ये आपका ही तो अवतार है। अन्नपूर्णा ने कहा ठीक है मुझे पता है मेरा अवतार है, परंतु मुझे डर है यदि गंगा काशी में आएगी और इस काशी नगरी की गंगा में जीव जंतु आएंगे, मगर आएंगे, जलचर प्राणी वहां रहने लगेंगे और मेरे काशी नगर के भाविक भक्त स्नान करने जाएगा और मगर यदि उसको खाएगा तो प्रभु उसकी दुर्गति हो जाएगी। महादेव जी कुछ बोले उससे पहले गंगा ने बोल दिया माँ मैं वचन देती हूँ जितना ये वरुणा नदी और 80 घाट इसके बीच का घाट है, मैं वचन देती हूँ मेरे पानी में कभी कोई जीव जंतु नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों आज का ये पर्चा है, ये सत्य हकीकत है। आप जाओ काशी में वरुणा नदी और 80 घाट, बीच में आपको एक मगर एक सर्प देखने को नहीं मिलेगा, और यदि होगा तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई उसके काटने से मर गया। ये गंगा का प्रभाव है। गंगा जी काशी में बही, महादेव विश्वनाथ का उन्होंने अभिषेक अर्चन किया, वहां से आगे बढ़ी गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ इलाहाबाद में, वहां से गंगा बढ़ती 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 एक नहीं अनेक गांवों को अनेक देशों को पवित्र करती हुई माँ भगवती गंगा अंत में कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता हुबली से आगे, हुबली वहाँ पर उनका नाम हुबली है, गंगा वहाँ से आगे बढ़ी और वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ असंख्य जीवात्माओं की जो मर गए थे कपिल मुनि के श्राप से, उन सभी पितरों की मुक्ति माँ गंगा ने की और माँ गंगा सदा सर्वदा के लिए समुद्र में मुक्त हो गई, समुद्र से मिल गई। और सबसे उत्तम यदि कोई तीर्थ है तो वो है गंगोत्री, और उससे भी ज्यादा यदि कोई पवित्र तीर्थ है तो वो है कलकत्ता का गंगा सागर। कहावत है सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। एक बार गंगा सागर जाना चाहिए सज्जनों, बहुत कठिन यात्रा है, होड़ी में बैठकर जाना होता है, समुद्र के बीच में जाएंगे वहां जाकर दिखेगा आपको यहां से गंगा आ रही है और यहां समुद्र है उसका मिलन हो रहा है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस मिलन का दर्शन करता है, क्योंकि ये मिलन केवल नदी और समुद्र का नहीं है, ये मिलन है माँ भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा और भगवान समुद्र के रूप में समुद्र का, समुद्र नारायण का, दोनों का मिलन है। वहां पर जो दर्शन करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, उसके प्राण को परम मुक्ति मिलती है। गंगा जल ये अत्यंत पवित्र है, जीवात्माओं के उद्धार के लिए माँ भगवती गंगा ने, माँ भगवती जगदम्बा ने गंगा का अवतार लिया। सज्जनों आश्चर्य होगा आपको, गंगा में नहाने वाले की तो मुक्ति होती ही है, पास में बैठने वाले की भी मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार ध्यान दीजिए, एक बार एक गांव था, एक ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मपंडित जी बड़े विद्वान, बच्चा बिल्कुल खराब हुआ, चोरी करता था, डकैती करता था, जुगाड़ खेलता था। पिताजी ने चिंता हो गई, मेरा बच्चा क्या होगा, इसका उद्धार कैसे होगा। और अचानक पढ़ने में शास्त्र में एक पंक्ति आई, जो गंगा में नहाता है उसका सब पाप गंगा में जाता है। ये पढ़ने में आया, सोचा मेरे बच्चों को एक बार गंगा में नहला देता हूँ, पाप सब जले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहा बच्चे को बेटा गंगा स्नान करने जाना है। बच्चा भी माथा का फिरा हुआ था, कहा मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरा फ्रेंड मेरा मित्र साथ में आएगा तो मैं आऊंगा, कहीं उसको भी ले लो खर्चे के साथ और खर्चा। वो लड़का बोला मेरा परिवार आएगा तब मैं आऊंगा, मैं अकेला नहीं आ सकता। बोले तुम्हारे परिवार को भी ले लो भाई। पंडित जी ने पूरा पैसा इकट्ठा किया, दोनों परिवार पैदल यात्रा करके चलते 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 काशी पहुंचे। अब काशी पहुंचे 2-3 दिन लगा पैदल जाने में,
जब वहां पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी। अब रात्रि को तो स्नान निषेध है शास्त्र में, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा एक काम करो, दोनों परिवार घाट पर सो जाओ, कल सुबह स्नान करेंगे। दोनों परिवार घाट पर बिछा कर दोनों परिवार सो गए। अब पंडित जी का नियम था सुबह 4 बजे उठना, बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी 4 बजे उठे, शौच करने के लिए लोटा लेकर जंगल जा रहे थे, और जंगल में जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा पंडाल बंधा हुआ था। सब नाच रहे, गाना गा रहे, कीर्तन कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पंडित जी ने बोला इतने बड़े काशी नगर में रात्रि में कौन खाना खाता है, लाओ जरा जाकर देखते हैं। अंदर गए, पूछा भैया आप सब कौन हो, क्या कर रहे हो? कहा देखो हम सब भूत हैं, इधर बैठे सब प्रेत, ये चुड़ैल, ये डाकन। पंडित जी ने कहा रे बाप रे, मैं यहाँ कहाँ आ गया भूत प्रेत की नगरी में। फिर भी हिम्मत करके पूछा आप सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? कहा कल हमारी लड़की की शादी है, बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने कहा एक तो भूत और उसकी लड़की की शादी, और हिम्मत की ओर पूछा किससे शादी होने वाली है? एक भूत ने कहा देखो वो घाट पर दो परिवार सो रहे हैं ना, उसमें जो वो ब्राह्मण का लड़का है ना, उसका मित्र कल मरने वाला है और बहुत पाप किया है, वो कल प्रेत बनकर आएगा और हमारी बच्ची की शादी उससे कर देंगे, कल की देरी है। अब पंडित को बड़ा दुख हुआ, अरे अब क्या होगा, चलो जैसी प्रभु की इच्छा। ये तो शौच आदि करके स्नान करके आया, सबको जगाया, चलो भाई जग जाओ, सब फटाफट गंगा जी में स्नान कर लो। दोनों बच्चे बाहर कपड़े का ध्यान रखने के लिए वहां खड़े रह गए। सब लोग स्नान करने गए, बच्चे कपड़े का ध्यान कर रहे थे, कोई ले न जाए इसलिए दोनों यहाँ खड़े थे, सब स्नान कर रहे हैं। काशी का एक सांड दौड़ता हुआ आया और अपनी दोनों सिंह वो जो लड़का खड़ा था उसके कमर में खोप दिया, लड़का वहीं मर गया। लड़का जैसे मर गया सबको बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण ने सबको समझाया, अग्नि संस्कार कर दिया, कहा देखो भाई लेट हो गया है, दिन भर बीत गया, अभी रात की तो हम जा नहीं सकते, कल सुबह जाएंगे, अभी वापस घाट पर सब सो जाओ। और सब घाट पर वापस सो गए। फिर से 3 बजे वो ब्राह्मण जगे, शौच करने के लिए लोटा लेकर गए जंगल में, और जंगल में जैसे ही लोटा लेकर गए तो वही पंडाल बंधा था, और सब लोग जैसे वो वैष्णा में बैठते हैं ना ऐसे बैठे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। माहौल लग्न था, वो सब खराब हो गया। जाकर पूछा पंडित जी ने क्या हुआ, शादी नहीं हुई? तो कि क्या पंडित जी हम बताए, शादी होने वाली थी, गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? तो कि दूल्हा राजा आया ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा क्यों नहीं आया भाई, वो तो मर गया। अरे पंडित जी आपको क्या बताऊं, ये जो वो सांड था ना, वो सांड थोड़ी देर पहले गंगा की मिट्टी में लोटा था, तो थोड़ी सी मिट्टी उसके सिंह में लग गई, और जैसे ही उसने दोनों सिंह उसको मारा, थोड़ी सी गंगा वाली मिट्टी, गंगा जल वाली मिट्टी उसके शरीर में चली गई, और जैसे ही गंगा जल की मिट्टी उसके शरीर में गई, पंडित जी उसके पाप जलकर भस्म हो गए और वो वैकुंठ में चला गया। ये गंगा का महत्व है सज्जनों, उसकी सदगति हो गई। सोचिए सज्जनों, गंगा की मिट्टी में इतनी ताकत है, तो गंगा जल की तो बात ही क्या करना, क्योंकि वो माँ का अवतार है। गंगा ये शरीर को पवित्र करती है सज्जनों, शरीर को पवित्र करने वाली नदी है माँ गंगा, और मन को पवित्र करने वाली नदी है माँ यमुना। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री कृष्ण ना चरणारविंद नीरज बनी शोभीरया, सिद्धि अलौकिक आपनारा बंधु श्री यमुना जी ने, सुपुष्पनी सुवासधी जंगल बधु महकी रहु, निमंद शीतल पवन थी जलपण सुगंधित थई रहु, पूजे सुरा सुर स्नेह थी बड़ी सेवता दैवी जीवो, वंदन करू श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण आश्रय आप जो। माँ यमुना ये कृष्ण का आश्रय देती है, क्योंकि माँ यमुना ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। आप भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आता है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा। जब भगवान कृष्ण ने इस व्रज 84 कोष में जन्म लिया, उसी दिन से व्रज की शोभा बढ़ने लगी, उसमें संपत्ति आ गई। और कहा भी जाता है ठाकुर जी जिस घर में जाते हैं ना, वहां दरिद्रता रहती नहीं, वहां संपत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ठाकुर जी आते हैं तो रोज काजू द्राक्ष बादाम वाला दूध चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो कब आएगा, जब पैसा होगा तब आएगा।
और हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी इच्छा तो कितनी है, चार पांच गांठ, बहुत सारी इच्छाएं होती है। भगवान हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते, भगवान हमारी जरूरियात के अनुसार देते। हमें जो जरूर है वो भगवान समय पर दे देते हैं। हाथी माटे मण अने कीड़ी माटे कण, हाथी के लिए मण और कीड़ी के लिए कण की व्यवस्था परमात्मा ने की है। तो हमको जिस चीज की जरूरियात है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, वो समय समय पर भगवान दे देते हैं। परंतु तकलीफ ये है कि समय का इंतजार हमसे होता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा मन विचलित हो जाता है। शास्त्र में कहा, जिस घर में कृष्ण की सेवा होती है वहां आवश्यकता होती है संपत्ति की, संपत्ति अपने आप वहां पहुंच जाती है। तो यमुना यह संपत्ति का स्वरूप है। यमुना ये मन को शुद्ध करती है, तन को शुद्ध करने वाली है गंगा, और मन को शुद्ध करने वाली है यमुना, और माँ यमुना ये लक्ष्मी का स्वरूप है। जब भगवान नारायण के शरीर से श्वेत बिंदु जब निकले, भगवान के शरीर की जो जो श्वेत बिंदु है, जो भगवान का पसीना है, वो चंदन में मिलकर जब जमीन पर आया तो वो ही माँ यमुना बना, ऐसा भागवत में लिखा गया है। श्वेत बिंदु माँ यमुना का रूप है। माँ यमुना तो बहुत गोरी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर थी, उसका पानी एकदम शुद्ध और अत्यंत निर्मल था। देखो हमारे भारतीय, हमारे भारत की यही अद्भुत संस्कृति है। आप जब बद्री केदार में जाएंगे वहां यमुनोत्री है, यमुनोत्री का जब दर्शन करेंगे तो वहां आपको पानी एकदम शुद्ध और सफेद दिखेगा। पर जब यमुना घूमती 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 ब्रज में आएगी तो वहां श्याम काली हो जाएगी। बोलो जैसे कृष्ण। क्यों? यमुना तो पहले श्वेत थी, परंतु जब भगवान कृष्ण ने व्रज में जन्म लिया और जब उसके पिता वसुदेव जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे, अपने माथे पर भगवान को लिया था, कथा आप सब जानते हैं, तब यमुना ने भगवान के चरण को स्पर्श करने की भावना की और कृष्ण ने पैर बाहर किया और यमुना ने भगवान को चरण लगाया। और कहा जाता है जे वो संग एवो रंग, भगवान थे काले तो आज तक यमुना सुंदर थी, पर जब भगवान को उसने स्पर्श किया तो यमुना श्याम बन गई, इसलिए नाम हो गया श्याम सुंदर यमुना। तो ये यमुना का चरित्र है, वो लक्ष्मी का रूप है। भगवान के चरणों को धोती हुई यमुना आगे बढ़ी और आगे जाकर इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। फिर वहां से गंगा और यमुना का एक रूप होता है। और तीसरी नदी बताई गई है सरस्वती। ये तो स्वयं माँ भगवती शारदा का अवतार है। सरस्वती की कथा भी अद्भुत है। भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को आदेश दिया कि जाओ, जैसे गंगा सबके मन शरीर को पवित्र करती है, यमुना जैसे मन को पवित्र करती है, उसी तरह जाओ सरस्वती तुम सबकी बुद्धि को पवित्र कर दो। तो बुद्धि को पवित्र करने के लिए, ज्ञान की ऊर्जा को देने के लिए माँ भगवती सरस्वती ने नदी का रूप लेकर वहीं माना पर्वत से बाहर आए और वहां उनकी उत्पत्ति हुई। परंतु हुआ यूं, सरस्वती से एक गलती हो गई। जहां ज्ञान होता है ना, वहां थोड़ा सा अभिमान सहज आ जाता है। जहां ज्ञान होता है वहां कामनाएं आती है, परंतु सद ज्ञान होता है वो कभी कामना पैदा नहीं कराता। सच्चा ज्ञान यही है जिससे कामना न हो। आज ही सुबह मुरली कृष्णा जी से बात हो रही थी। बहुत जब मैं भागवत वहाँ पढ़ रहा था, शुरुआत थी, इतना पता भी नहीं था, हंसते हंसते गुरु जी को कहा, गुरु जी जल्दी जल्दी भागवत पूरा कर दीजिए। क्योंकि गुरु जी दो दिन में दो चार श्लोक ही पढ़ाते थे, कभी आराम से पढ़ाते थे, कभी दो चार श्लोक। मैंने कहा गुरु जी फटाफट पढ़ा दो तो भागवत जल्दी आ जाए, तो कथा शुरू हो जाए और पैसा आने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक झापट दी गुरु जी ने, भागवत से अर्थ की चिंता मत करो, भागवत के अर्थ की चिंता करो। यदि भागवत का अर्थ लग जाएगा तो अर्थ पैसा प्रभु बहुत दे देगा, उसकी चिंता की आवश्यकता ही नहीं होगी। और ये बात आज हमारी अनुभूति का विषय बन चुकी है, ये सत्य बात है। कभी ग्रंथों से, शास्त्र से अर्थ की कामना नहीं करनी चाहिए, शास्त्र के अर्थ की कामना करनी चाहिए। कौन सा अर्थ कहाँ है, कहाँ से क्या, ये सब बहुत अद्भुत बातें होती हैं, उसको समझना चाहिए।
इसलिए जब ज्ञान आता है तो वहां थोड़ा सा अभिमान आने लगता है, यदि प्रभु की कृपा हो तो वो अभिमान अपने आप दूर हो जाता है। परंतु शारदा में, सरस्वती में ऐसा हुआ। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, बहुत वर्ष पूर्व माना पर्वत के पास में दो गुफा है, एक व्यास गुफा और एक गणेश गुफा, आज भी वहां है, आप जाओ तो दर्शन करना। उसी पर्वत के पास से सरस्वती नदी निकलती है, एक बीच में भीम पर्वत है, भीम पर्वत के उधर थोड़ी सी जगह है, वहां से सरस्वती माता का प्रागट्य होता है और उस भीम पर्वत के पास में ही एक व्यास गुफा है, जहां बैठकर वेद व्यास जी महाराज ग्रंथ लिख रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। गणेश ने शर्त रख दी, देखो वेद व्यास मैं लिखूंगा, परंतु यदि बोलते बोलते तुम अटक गए तो मेरा लिखना बंद हो जाएगा, बाद में फिर से नहीं लिखूंगा, इसलिए बोलते बोलते रुकना नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने कहा इतना बड़ा शास्त्र लिखना है, बीच में पानी पीना पड़ेगा, भोजन करने जाना होगा, संध्या करनी होगी, तो गणपति ने कहा ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है, मैं तो कंटिन्यू लिखूंगा। वेद व्यास ने कहा ठीक है लिखिए गणेश जी, परंतु एक बात है, सोच कर लिखना है, जो बात समझ में नहीं आए वो नहीं लिखना है। गणपति ने कहा ठीक है तैयार। हाँ सज्जनों, वेद व्यास ने ऐसा ऐसा श्लोक लिख दिया है, बीच में जब भोजन करने का समय आता तो उल्टा श्लोक बता देते थे। अब गणेश जी सोते रह जाते थे, इस पता नहीं चलता था, सोते 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 वो खाना खाकर आराम करके आते थे, पता चला तो कि नहीं सुनिए मैं समझाता हूँ, और वेद व्यास उनको समझाते थे। ऐसा कई श्लोक है, जैसे एक उदाहरण, स्पर्शे सुयसोडसमेक विंश निष्किंचनानां नृपयत् धनं विदुः। गरीबों का धन क्या है? गरीबों को यदि धन चाहिए तो क्या करना है? यदि जो बहुत गरीब है उनको यदि धन चाहिए भगवान से तो क्या करना है? उसके लिए एक शास्त्र में श्लोक है, स्पर्शेषु यत्सोडसमेक विंश। स्पर्श में 16वां और 21वां अक्षर है, वो करने से पैसा मिल जाएगा, बोलो जय श्री कृष्ण। और गणेश जी सोचने लगे स्पर्श क्या है और 16वां अक्षर क्या है, 21वां स्पर्श करो 16वीं बार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दो चार घंटे के बाद व्यास जी आए, कहा कि पता चला? बोले नहीं, सुनिए गणेश जी, स्पर्श का मतलब होता है छूना, छूकर जो बाहर निकलता है उसको अक्षर कहते हैं। बिना मुंह को छुए मुंह से कुछ निकलता है नहीं, तो मुंह से जो निकलता है उस अक्षर को हम स्पर्श कहते हैं, और कक्का यानी स्पर्श अक्षरों में जो 16वां अक्षर है और 21वां अक्षर है वो दोनों को मिलाना है, जो होगा उससे पैसा मिलेगा। गिनती करते हैं तो 16वां अक्षर है त और ये अक्षर है प, त प, तब करो तो पैसा मिलेगा, बोलो जय श्री कृष्ण। अब बात तो इतनी छोटी थी परंतु घुमा घुमा कर कहते थे, कहने का तात्पर्य ये होता है ज्ञान। तो एक बार ऐसा श्लोक गणेश जी को दे दिया और गणेश जी सोचने लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भूख लगी है, वो खाने चले गए, और गुस्सा आ रहा है और सरस्वती नदी का आवाज आ रहा है, सरस्वती नदी खल 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 करती बह रही है। गणेश जी ने कहा सरस्वती चुप हो जाओ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सरस्वती ने सुना नहीं, चुप हो जाओ सरस्वती, सरस्वती ने नहीं सुना और गणपति ने हाथ में पानी लेकर श्राप दे दिया, जाओ सरस्वती तुम मेरा सुनती नहीं हो, तुम लुप्त हो जाओ, श्राप दे दिया। थोड़ी सी सरस्वती आगे बढ़ी और सज्जनों सरस्वती माता नदी में गुप्त हो जाती है, नदी में समाहित हो जाती है। आगे जाके गुजरात में एक सिद्धपुर नाम का क्षेत्र है, वहाँ सरस्वती माता बाहर निकलती है जिसको कहते हैं सिद्धपुरम बिंदु सरोवर, वहाँ सरस्वती नदी है। तो बाद में कई जगह पर यह सरस्वती माता का ऐसा गुप्त प्रागट्य है, और शास्त्र में ये भी कहा गया है ज्ञान नित्य गुप्त रहता है। व्यक्ति को ज्ञान है वो कपाड़ पे दिखेगा नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ नहीं लिखा होता है पंडित जी कितने विद्वान हैं, इनके पास कितना ज्ञान है, जब जानते हैं तब पता चलता है, जब वो बोलते हैं, जब कोई समझाते हैं, जब उनसे चर्चा होती है तब पता चलता है कि ज्ञान क्या होता है। इसलिए ज्ञान गुप्त रूप में अपने भारत में प्रवाहित हुआ। सरस्वती नदी में जो स्नान करता है, उसका जो आचमन करता है, उसको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये माँ के तीन रूप थे, एक गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती। ये प्रागट्य शाकंभरी नवरात्रि में हुआ है। शाकंभरी नवरात्रि पौष मास में आती है। इन पौष मास में जो भी ये नवरात्रि करते हैं उनके बालकों को उत्तम ज्ञान मिलता है।
अनेक पशु पक्षियों के उद्धार के लिए माने इन तीन देवियों का अवतार लिया था। इसलिए समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए माँ जगदम्बा के ये तीन अवतार हैं। ऐसे ऐसे तो माँ भगवती ने शास्त्र में बताया है, इदम यथम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम्। जब जब व्यक्ति को आवश्यकता होगी तब हम, माँ भगवती कहती है, जब जब आवश्यकता होगी, जब जब कष्ट आएगा, जब जब कोई ना कोई तकलीफ होगी, तब माँ कोई भी अवतार में रूप लेकर उन भक्त का माँ कल्याण करेगी। सज्जनों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक बहुत अच्छे कवि ने दो पंक्ति में लिखा है, धरती तर धर ध्यान ध्यान धरे नावे माँ, पालन प्रजा प्रजन अनचिंतवे आवे माँ। माँ भगवती के लिए लिखा है, धरती तर, धरती का तल यानी गुफा, गुफा में बैठकर भी आप ऐम रिम क्लिम चामुंडाए विचे, ऐम रिम क्लिम चामुंडाए विचे, गुफा में बैठ के भी माला करेंगे तो भी माँ आएगी नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। कितना भी माला करो, माँ जगदम्बा वहां नहीं आएगी। धरती तर धर ध्यान ध्यान धरे ना आवे माँ, पण पालन प्रजा प्रजन अनचिंतवे आवे माँ। जब अपने भक्त को कई कष्ट हो जाता है, जब कोई बाधाएं पीड़ा पीड़ा देती है, तब माँ बिन बुलाए आती है और अपने भक्तों का कष्ट दूर कर माँ चली जाती है, हम समझ भी नहीं पाते। माँ अपनी बुद्धि को बदल देती है, माँ अपनी शक्ति को परिवर्तित कर देती है। यदि हम गलत जगह पर जाते हैं तो माँ किसी भी रूप में आकर हमें वहां रोक देती है, माँ बुद्धि सुधार देती है, माँ परिवर्तन कर देती है। ये माँ का चमत्कृति और चमत्कार है। माँ भगवती बुद्धि में सद्रूप में बैठकर सद्गुण कराती है और सत्कार्य में हमें प्रेरित कर देती है। यहां तक बताया गया है और देखा भी गया है कि जब जब व्यक्ति कोई कुमार्ग पर जाता है और यदि वो माँ भगवती का भक्त है तो माँ उसको कुमार्ग पर जाने से रोक देती है, उसको नहीं करने देती। ऐसे कई कथाएं हैं हमारे लोक में, हमारे समाज में। बच्चों को जाना था मलेशिया, बोलो जय श्री कृष्ण, और दादा दादी को जाना है वैष्णव देवी। रोज घर में झगड़ा होता था, पिता ने कहा वैकेशन एक है और इस बार FD पक रही है 2 लाख की, सोचो कहाँ जाना है। बच्चे कहते हैं मलेशिया और दादा दादी कहते हैं वैष्णव देवी। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, माँ बाप रोने लगे, हम आज है कल नहीं, मर जाएंगे, मरने से पहले एक बार वैष्णव देवी के दर्शन करा दो। और बच्चा ने कहा है, बात भी सही है, बच्चे छोटे बड़े होंगे कभी भी मलेशिया जा सकते हैं, माँ बाप को वैष्णव देवी के दर्शन कब कराएंगे। तो मलेशिया की ट्रिप हुई कैंसल और वैष्णव देवी की ट्रिप लग गई। बच्चों को बड़ा गुस्सा आया, नहीं जाना था फिर भी गए, पर जब वैष्णव देवी पहुंचे तब पता चला कि हम जिस फ्लाइट में मलेशिया जाने वाले थे वो उड़ गई, वहां सब मर गए, हम यहां आए थे तो बच गए। ये वो रुके नहीं, माँ जगदम्बा ने उनको रोका है। हमको सद्बुद्धि देने वाली, सत्प्रेरणा देने वाली माँ है। यहाँ कथा में कई लोग हैं, पहले दिन आए थे, जाना पड़ेगा, बोलो जय श्री कृष्ण, वीकेंड है तो चले जाएंगे, माँ ने प्रेरणा दी, लोग आए। ये माँ की प्रेरणा है, माँ बहुत प्रेरणा देती है। साड़ी के कलर भी बदल गए, बोलो जय श्री कृष्ण, आज लीला कल पीला, मुझे पता नहीं ना, मैं भी ले आता धोती इंडिया से, यहाँ आया था, अब जाऊँगा तो लेके आऊँगा अलग अलग रंग की धोती। ये प्रेरणा माँ की है। समय समय पर माँ जगदम्बा हमें सद प्रेरणा देती है। देवी भागवत का यही उत्तम उपदेश है और देवी भागवत का यही उत्तम रहस्य है कि जो भी व्यक्ति व्रत जप तप अनुष्ठान और दान ये 5 अंगों को करता है, माँ पराम्बा की परम कृपा उन भक्त पर रहती है। असंख्य भक्त समाज में ऐसे देखने को मिले जिन्होंने माँ की भक्ति की और परम पद को पा लिया। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक भक्त हैं। एक बहुत सत्य हकीकत हमने कहीं सुनी थी, एक परिवार था और इस परिवार में केवल एक पुत्री थी। माँ और पिता गांव में काम करके जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे, जीवन बिताते थे, और ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब तो काम भी छूट गया, लोग उनको काम पर भी नहीं बुलाते थे। बच्ची जरा सा छोटी थी, अब करना क्या है, धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाएगी, उसकी प्रभु करे अच्छे शादी हो जाए, और हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि अपने बच्चों की अच्छे से शादी हो जाए।
माँ बाप की बड़ी इच्छा थी, पुत्री बहुत संस्कारी बहुत रूपवती, परंतु घर में संपत्ति नहीं थी। पूरी रात ये माता पिता जंगल में लकड़ी काटते थे और पूरी रात मेहनत करते कर कर वो काष्ठ वो लकड़ी बाजार में बेचते थे, जो पैसा मिलता था उससे सज्जनों ये लोग एक समय का भोजन करते थे, इतने गरीब थे। एक बार ऐसा हुआ, माता पिता रात भर में लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काट कर उसका भारा बनाकर अपने माथे से लेकर जा रहे थे और दो चार संत वहाँ से गुजर रहे थे। उसमें से एक संत को थोड़ा ठंडी लग गया, बीमार हो गए थे, उनके शरीर में ठंडी लग रहा था, शरीर कांप रहा था और शरीर कांपते कांपते वो उन्होंने देखा कि वो शरीर कांप रहा है और वो संत बीमार हो गए हैं। संत बीमार है, अब करना क्या? तो अब उस माँ बाप ने जो लकड़ी काटने गए थे उन्होंने संतों के सामने देखा और माँ ने अपने पति को कहा, एक काम करो जरा जाकर देखो वो कुछ कुछ परेशान है। जाकर पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने बताया कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनको ठंडी लग गई है और कुछ आग जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो हम वो खोज रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं। पत्नी ने कहा, एक काम करो ये दोनों लकड़ी का भारा उनको दे दो, दे दो। पति ने कहा, तो हम कल सुबह खाएंगे क्या? हमारी पुत्री को क्या खिलाएंगे? कहा, चलो माँ का व्रत, ऐसा करके व्रत उपवास कर लेंगे, कम से कम उनकी मदद करनी चाहिए। उन दोनों लकड़ी का भारा था, वो दोनों भारा उनको दे दिया। घर पर आ गए, वहाँ पर अग्नि जलाई, ताप किया, उनको अच्छा लगा। सुबह हुई और जो बीमार थे उन्होंने पूछा, ये लकड़ी वगैरह सब कहाँ से आया? बोले, पता नहीं, रात को एक पति पत्नी जा रहे थे, बड़े गरीब लग रहे थे और लकड़ी का भारा यहाँ पर दे दिया और हमने उसे ताप किया। उनको पता चल गया कि हमने एक गरीब का भार, एक गरीब का एक दिन का भोजन हमने ले लिया। एक काम करो, अपने माँ की भक्ति करो, एक एक जय माता जी की एक 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 माला करो और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमने जिसके माथे का भार लिया है माँ, उसके माथे का भार सदा दूर कर दो, ऐसी प्रार्थना करो। और दोनों बैठ गए, मंत्र का जाप किया और देखो माँ की कैसी कृपा हुई, पूरा परिवर्तित हो गया। यहाँ माता पिता घर में खाना नहीं था, खाना लेने के लिए बाजार में गए, पुत्री घर पर अकेली, वहां के राजा की सवारी वहां से निकली और वो पुत्री सवारी देखने के लिए बाहर आई और जैसे ही बाहर आई और राजा की नजर इस कन्या पर गई, राजा को कन्या पसंद आ गई। वजीर को कहा, जाओ उसके माँ बाप को बुलाओ। माँ बाप को ले गए दरबार में, माँ बाप को कहा राजा ने कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। माँ ने कहा, राजा मेरी पुत्री आपकी रानी बने, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है, परंतु हम तो बड़े गरीब हैं, आप जब बारात लेकर आएंगे तो आपका स्वागत करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है राजा। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आज इसी समय मैं तुम्हारे पति को मेरे राज्य का खजांची बना रहा हूँ, तुम आज से मेरे खजांची, और मेरी बारात कोई गरीब के घर नहीं जाएगी, मेरी बारात एक खजांची के घर जाएगी, माँ माँ की कृपा से एक क्षण से गरीब से धनवान बन गए, ये माँ की कृपा है। कभी रास्ते में जा रहे वाहन लेकर, हम कोई कार स्कूटर लेकर जा रहे हैं और अचानक कुछ हो जाता है, ऐसे समय में माँ कोई ना कोई रूप से हमको बचा देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कहीं जाते हैं, उन बच्चों की रक्षा माँ भगवती कुलदेवी करती है, इसलिए शास्त्र में बताया, वंश रक्षा करी देवी कुलदेवी नमोस्तुते, माँ वंश की रक्षा करती है। समस्त कार्य, समस्त दुख, समस्त दरिद्र को दूर करने में माँ भगवती समर्थ है, माँ के कई रूप है। यहां तक बताया गया शास्त्र में कि माँ भगवती ने कभी कभी पक्षी का रूप भी लिया है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा बड़े पराक्रमी थे, पर इस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसी गांव में पास में एक छोटा सा गांव था, वहां माँ भगवती का ही एक रूप हुआ है, माँ भगवती का ही एक रूप था जिसका नाम था खोडल। बड़ी उसकी लंबी कथा है। किसी ने राजा को कहा, राजा एक बार खोडल के दरबार में जाओ और माँ भगवती खोडल को प्रणाम करो, तुम्हारा कर जरूर संतान होगी। राजा रानी वहां पर गए और माँ को प्रणाम किया, माँ की कुछ बाधाएं रखी और बाधा रख माँ की कृपा हुई और अद्भुत पुत्र और पुत्री उनको दिए।
समय को बदलने में बार समय नहीं लगता। बड़े एक राजा ने आक्रमण किया और इस राजा को हरा दिया। राजा ने अपने छोटे बच्चे को अपने वजीर को दे दिया, जाओ वजीर उसको ले जाओ और उसको संभाल के अपने घर रखना। राजा रानी मर गए और ये पुत्र का नाम था रान नवघन। ये रान नवघन को लेकर वो वजीर अपने गांव में चला गया, दोनों अपने बच्चे को बड़ा किया। एक राजा का बच्चा था, एक खुद का बच्चा था। किसी और राजा ने आक्रमण करके राज्य तो ले लिया था, उसको कहीं कानो कान खबर हो गई कि राजा का पुत्र रान नवघन अभी जिंदा है और अभी वो उनके वजीर के घर में है। वजीर को बुलाया, तुम्हारे पुत्र को लेकर आओ। और राजा ने पूछा कि रान नवघन तुम्हारे घर में, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में रान नवघन है, मैंने ऐसा सुना है। वजीर ने मना किया तो कहा कि बुलाओ तुम्हारे पुत्र को और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। समझ गए यदि रान नवघन होगा तो उसके मन में कुछ नहीं होगा और अपना पुत्र होगा तो वो रोएगा। सज्जनों आश्चर्य की बात है, रान नवघन को नहीं दिया और खुद का बालक सूढ़ी पर चढ़ा दिया, खुद का बालक राजा को दे दिया। उस राज्य को पुनः पाने के लिए रान नवघन ने माँ भगवती खोडल की उपासना की थी। माँ मैं छोटा व्यक्ति हूँ परंतु मेरे पिता का वैर का बदला लेना है, मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। माँ आप कृपा करो, मेरा जन्म आपकी कृपा से हुआ है। मेरी माँ की गोद भराई नहीं हो रही थी, माँ आपकी कृपा हुई और मेरा जन्म हुआ। आप मुझ पर कृपा करो। माँ भगवती ने खमकारा किया, खोडल का खमकारा हुआ। माँ ने कहा जाओ रानवगण तुम उस पर आक्रमण करो। माँ मैं कैसे आक्रमण कर सकता हूँ, जूनागढ़ का बड़ा राज्य है और मेरा सैन्य छोटा। माँ ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आगे रहूंगी। जब दुख आता है तब माँ आगे रहती है और जब सुख आता है तब माँ पीछे हो जाती है। मैं तुम्हारे आगे खड़ी हूँ बेटा। रानवगण को विश्वास नहीं था। माँ को कहा माँ मैं कैसे आप पर विश्वास करूं, मुझे कोई संकेत दो। तब माँ ने कहा कि युद्ध करने जाओ, तुम्हारे भाला पर यदि तुमको एक चिड़िया दिख जाए तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। युद्ध करने के लिए सज्ज हुए, थोड़ा सैन्य लेकर जा रहे थे, बीच में समुद्र आया और समुद्र को पार करके उधर जाना था। कैसे जाएंगे, सब लोग रुकने लगे। रान नवघन ने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं, हम किस तरह से जाएंगे। परंतु अचानक उड़ती हुई चिड़िया देखी, समझ गए माँ मेरे साथ है। और माँ की कृपा से सज्जनों आश्चर्य की बात है, ये असंभव को भी माँ ने असंभव किया। समुद्र के पानी पर चल कर गए और रान नवघन ने अपना राज्य जीत लिया। ये माँ भगवती की कृपा का ही चमत्कार है, माँ भगवती की कृपा का ही परिणाम है। ये रान अवघन की कथा बहुत अच्छी है परंतु वो गुजराती में ही कह सकते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, उसका बड़ा इतिहास है। तो कहने का तात्पर्य माँ का एक नहीं, माँ के कई अवतार हैं। समय समय पर जब जब कष्ट हुआ भक्तों को, जब जब लोग दुखी होने लगे, तब माँ ने एक बार नहीं अनेक बार अवतार लिए। और आज तक कहा जाता है कि माँ जगदम्बा कहीं ना कहीं किसी के हृदय में बैठकर सत्कर्म कराती है। और ऐसे बड़े बड़े सत्कर्म होते हैं तो समझना माँ हृदय में प्रकट हुई और माँ का हृदय में प्रागट्य हुआ है। ये माँ का अंशावतार कहा जाता है, माँ अंश रूप में हृदय में आती है। एक बार मुझे याद है कच्छ में मेरी कथा थी और वहाँ भागवत कथा थी, सती चरित्र आया तो मैंने सती चरित्र बोला। मैंने कहा कि माँ जगदम्बा के 52 टुकड़े हुए और जो जो जहाँ टुकड़ा गिरा वो माँ भगवती का शक्तिपीठ बना, ऐसा मैंने कहा। सायंकाल में वो डायरा भजन हो रहा था, बड़े गढ़वी आए थे। कहा उन्होंने डायरे में भजन संध्या में, रात्रि संध्या में कहा कि आज सुबह पंडित जी ने कथा तो बच्ची बड़ी अच्छी की परंतु उन्होंने कहा कि माँ भगवती के जो जो टुकड़े हुए वो जहाँ जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ हुआ। ये बात तो ठीक है परंतु क्या माँ के शरीर से टुकड़े ही गिरे, रक्त की बूंद नहीं गिरी, बोलो जय श्री कृष्ण, कहीं ना कहीं रक्त की बूंद तो गिरी है। तो जहां जहां माँ की रक्त बूंदे गिरी वहां आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं रीति से छोटा बड़ा मंदिर बना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां माँ जगदम्बा का मंदिर है, जहां जहां आपको छोटा हो या बड़ा हो जो मंदिर देखे, माना ये मान लेना ये माँ भगवती का ही शक्तिपीठ है। चाहे हमारे घर में एक भले छोटी तस्वीर क्यों ना हो, मानना वो भी माँ का एक शक्तिपीठ है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ मूर्ति बनती है, प्रतिष्ठाएँ होती है, मंदिर बड़े बनते हैं, तो उस मंदिर में यदि हमको सहभागी बनना हुआ
होने का लाभ मिले, यदि हम उसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बने, तो समझना माँ जगदम्बा ने आज हृदय में अवतार लेकर आई और मुझे ये काम करवाया। सत्कर्म जब हम करते हैं तो समझना ये माँ की ही कृपा है। जिस पर कृपा होती है वो ही ऐसे सत्कार्य में सहभागी बन सकते हैं। इसलिए शास्त्र में और देवी भागवत में बताया, जब जब समय मिले तब व्रत जप अनुष्ठान और तप करना चाहिए। चार नवरात्रि का महत्व बताया, माँ के विभिन्न अवतारों को आज तक हमने सुना, और अंत में नंदीश्वर वेद व्यास को कहते हैं कि वेद व्यास, जीवन के समस्त व्याधियों को, जीवन के समस्त दुख को दूर करना है तो माँ भगवती की उपासना और आराधना करो, उस आराधना से सत्कल्याण होगा। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, केवल भक्ति के सिवाय ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर चलकर हम हमारे दुख को दूर कर सके। ऐसे कई मंत्र बताए हैं जिसकी जैसे जैसे कामना होती है, जिसकी जैसे जैसे अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा के अनुसार व्रत जप करने से माँ भगवती समस्त कार्यों को और हमारे समस्त दुख को दूर कर देती है। माँ भगवती के कई रूप है, उसके नाम हजार है, माँ के सहस्त्र नाम है, उन सहस्त्र नामों का पाठ कर कर पूजन करके जो भी अर्चना करता है माँ भगवती उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। आइए श्रीमद् भागवत देवी भागवत का अंतिम पाठ, अंतिम भाग, जिसमें समस्त कथा को एक बार सुनाया जाता है। दो हाथ जोड़कर इन कथा को सुनना और इस कथा को अंत में माँ भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे। अंतिम स्कंद में संपूर्ण कथाओं को एक बार फिर से सुनाया गया। सबसे पहले देवी भागवत का प्रारंभ हुआ माँ भगवती के मंगलाचरण से। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतो हम विश्वरूपांतान नमामि परमेश्वरी। पराम्बा परमेश्वरी सर्वज्ञ सकल भूत में रहने वाली पराशक्ति है, उसका जो भी ध्यान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे पहले छह अध्याय, उन छह अध्यायों में देवी भागवत का माहात्म्य बताया गया। स्वयं भगवान कृष्ण जाम्बुवती को लेने के गए, जाम्बुवंत के साथ युद्ध करने के लिए। यहाँ सत्यभामा को भ्रमणा हो गई कि भगवान गए वापस क्यों नहीं आए, तो जल्दी भगवान आ जाए, इसलिए उन्होंने देवी भागवत का अनुष्ठान किया और प्रभु पुनः प्राप्त हुए। गई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए भागवत, देवी भागवत ये उत्तम साधन बताया गया। श्रवण मनन और कीर्तन का महत्व बताया। भागवती की श्रीमद् भागवती वार्ता, देवी भागवत की कथा कैसे करनी चाहिए, कि उसके क्या क्या नियम है, छठे अध्याय में वो नियम बताए। देवी भागवत की शुरुआत में प्रथम स्कंद में माँ भगवती का किस तरह से अवतार हुआ, इसके बारे में तीन प्रकार का संवाद हुआ। सबसे पहला संवाद सुख सनका नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषि गए और उन्होंने सुत पुराणी को प्रश्न किया था। चार धाम में घूमकर आए थे सनकादिक ऋषि, चारों धाम में माँ भगवती के मंदिर देखे, तो उस मंदिर को लेकर प्रश्न हुआ कि चार धाम में भगवान नारायण का महत्व है तो वहाँ देवी का स्वरूप क्यों, उनका मंदिर क्यों, उनके मन में प्रश्न हुआ। चार धामों की यात्रा करके नैमिषारण्य में गए, उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे माँ भगवती का चरित्र सुनाओ, इसलिए उन्होंने देवी भागवत का उपाख्यान शुरू किया। प्रश्न हुआ, वेद व्यास कौन है, आपको ये कथा किसने सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी वेद व्यास है और वेद व्यास ने ये कथा मुझे सुनाई है। वेद व्यास कौन है ये प्रश्न हुआ, तो वेद व्यास और सुखदेव जी का चरित्र देवी भागवत में सुनाया। वेद व्यास को ये कथा किसने दी और कब दी, तो इसके समय अनुसंधान में वेद व्यास को कष्ट हुआ, दुख हुआ, उस दुख को दूर करने के लिए वो कैलाश पर्वत पर गए और नंदीश्वर के साथ बैठकर उन्होंने माँ भगवती विषयक चर्चा की। प्रश्न हुआ, माँ कौन है, माँ के अवतार कौन है। नंदीश्वर ने समस्त कथाएं, समस्त अवतार का चरित्र वेद व्यास को समझाया। नंदी ने कहा, सुनो प्रभु भगवान, मैंने ये सब कथाएं महादेव के मुख से सुनी है। बहुत वर्ष पूर्व हुआ यूं माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने महादेव से शर्त की और उन्होंने खेलते खेलते एक चौरस चौपाट की रचना की, जो हारेगा वो जीतने वाले का कहा करेगा। भगवान शिव हारे और पार्वती ने कहा, मेरे लिए मस्तक में लगाने के लिए षडरुति की वैणी ले आओ। वैणी लेने के लिए भगवान गए, परंतु भगवान षड ऋतु के पुष्प को इकट्ठा नहीं कर पाए और जब कर लिया तो कुछ पुष्प उसमें से सूख गए थे। इसलिए अपराधवश पार्वती ने अपनी आत्मा को भुला दिया, अपने तत्व को भुला दिया।
और उन पार्वती को सब कुछ याद कराने के लिए महादेव गुरु बने और पार्वती को शिष्य बनाया। कहा, सुनो देवी, आपके एक नहीं, आपके कई चरित्र, आपके कई अवतार हैं। उस समय नंदी वहां पर थे, इसलिए उनको माँ का संपूर्ण चरित्र ज्ञान है। वो संपूर्ण चरित्र वेदव्यास को समझाया। सुनो वेदव्यास, माँ भगवती के मुख्य तीन रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती। महाकाली का रूप सबसे पहले आया, माँ भगवान महाकाल ओंकार से प्रकट हुए हैं और ओम से महादेव का जन्म हुआ, महादेव के आधे शरीर से महादेवी का जन्म हुआ। वो महादेवी सबसे पहले सती, सबसे पहले शिवा के नाम में प्रसिद्ध हुई। शिव और शिवा, ये दूर दो रूप थे। शिवा से अपराध हो गया, एक खेत में दाने खा लिए और जितने दाने खाए उतने वर्ष तक उस खेत खेडूत के घर पुत्री बनकर जाना हुआ। वो खेडूत दूसरे जन्म में दक्ष प्रजापति बने और ये माँ भगवती शिवा ये सती बनकर उनके घर में प्रकट हुई। सती और शिव का विवाह हुआ, सती ने भगवान पर शंका कर ली और भगवान ने सती का त्याग किया। यह सब कथा हमने बहुत विस्तार से सुनी है। सती का त्याग किया, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और सती ने अपने शरीर को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आहुत कर दिया और सती ने अपना प्राण त्याग दिया। सती माता के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ बने। उन समस्त शक्तिपीठों में जो प्रमुख शक्तिपीठ थी उनकी कथा हमने सुनी। उसके बाद में वही माँ भगवती सती पुनः हिमालय की कन्या बनकर पार्वती बनकर प्रकट हुई। शिव की उपासना की और शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु आपके गले में ये मुंडमाला किसकी है? उसके प्रत्युत्तर स्वरूप भगवान ने अमरनाथ का रूप लिया और अमर कथा माँ भगवती पार्वती को सुनाई। अमर कथा सुनने के बाद पार्वती स्वयं भी अमर बनी और उस माँ भगवती के ही अलग अलग विभिन्न अवतार हुए। महिषासुर को मारने के लिए माँ भगवती सबसे पहले वाघ पर बैठी तो माँ भगवती वाघेश्वरी कहलाई। युद्ध करने गई माँ भगवती ने पहले दिन धूम्र विलोचन को मारा और माँ भगवती धूमावती कहलाई। माँ ने रक्त बीज को मारा, माँ रक्त बीजाशिनी कहलाई। माँ भगवती ने चंड मुंड को मारा और माँ भगवती का एक रूप बन गया चामुंडा। वही माँ भगवती ने महिषासुर को मारा और माँ भगवती का एक रूप बना माँ भगवती दुर्गा। उसके बाद में ये तो आश्विन की कथा हुई। चैत्र मास में माँ भगवती ने तंत्र विद्या की उत्पत्ति के लिए 10 रूप को धारण किया जिसको हम दश महाविद्या कहते हैं। उन दश महाविद्या में ललिता त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी की कथा हमने विस्तार से सुनी। उसके बाद में और दो नवरात्रि, एक पौषी नवरात्रि और एक माघी नवरात्रि, एक नवरात्रि अत्यंत गुप्त है और शाकंभरी नवरात्रि के बारे में हमने सुना। माँ भगवती के एक नहीं, अनेक रूप है, अनेक अवतार है और जो भी व्यक्ति यथाशक्ति इन अवतारों का श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है और इन रूपों को अपने हृदय में धारण करता है, सज्जनों, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती उनका कल्याण करती है। इन 7 दिनों की कथा में ऐसे कई बातें लोगों ने मुझको आकर कही, बोलो जय श्री कृष्णा। कई लोग नौकरी छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने 4-4 दिन की छुट्टी ले ली, बोलो जय श्री कृष्णा। कई लोगों का जो काम नहीं हो रहा था उनका काम माँ भगवती ने पूर्ण किया। तो ये न तो मेरी कोई शक्ति है न आपकी कोई शक्ति है, ये तो केवल और केवल माँ भगवती जगदम्बा की परम कृपा है, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो आइए अंतिम एक श्लोक के द्वारा ये संपूर्ण देवी भागवत की कथा, सज्जनों ये कथा तो बहुत विस्तार से है, सही रूप से देखा जाए तो देवी भागवत की कथा कहीं कहीं 7 दिन की होती है, कहीं कहीं 9 दिन की होती है और कहीं कहीं 21 दिन की होती है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये बड़ा उसका विस्तार है और उसमें भी 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को। परंतु हम तो अमेरिका वासी है इसलिए बड़े सोफिस्टिकेटेड है, थोड़े समय में जो जो हमारे गुरु जी कहा करते थे, यत्सार भूतम तदुपासनीयम, बहुत सारा ज्ञान होता है उसमें से जो सार सार है उनको ले लेना चाहिए। तो पूरा भागवत तो बड़ा है, उसमें तो पूरी महाभारत की कथा आती है, बहुत सारी कथा है, परंतु माँ की कृपा होगी जब जब फिर ऐसी ऐसी कथाएं होती रहेगी तो अलग अलग चरित्रों को हम विभिन्न रूप में विस्तार से सुनते रहेंगे।
और एक ही कथा कई बार अलग अलग पुराणों से भी जुड़ी होती है। तो समय जब होगा, माँ की कृपा होगी, तो विभिन्न पुराणों को सुनकर हम उसकी भक्ति करेंगे। माँ ने जितना समय दिया तब तक हमने माँ ने संक्षिप्त कथा सुनी है। जिन जिन अवतारों को सुना उन उन अवतारों को हृदय में धारण करना चाहिए। जब जब समय मिले तो इन देवी भागवत का अर्चन कीर्तन और अपने घर में उसका पठन जरूर करना चाहिए। आइए दो हाथ जोड़कर अंतिम श्लोक से माँ भगवती को प्रणाम करें और इस कथा को माँ के चरणों में समर्पित करें। आप सबको मेरे पीछे पीछे बोलना है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवी मयं जगत्, सर्वं देवी जगत्। अतोहं विश्वरूपां ताम्, हम विश्वरूपां ताम्, नमामि परमेश्वरीं, नमामि परमेश्वरीं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, भाग्यं भगवति देहि मे, 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 भाग्यं भगवति देहि मे। ॐ दुर्गायै नमः, 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 ॐ दुर्गायै नमः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु, श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। श्लोक के द्वारा कथा को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। 7 दिन तक जो भी गाया, जो भी सुना, वो सब माँ को यहाँ पर समर्पित करते हैं। यहाँ कथा का नियम होता है, जब कथा पूरी होती है तो व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद दिया जाता है। परंतु उम्र में तो आप सब मेरे से बड़े हैं और आधे से ऊपर तो हमारे माता पिता समान हैं, क्योंकि यहाँ आए तो सब कई लोगों ने माता पिता का कर्ज अदा किया और हमको बहुत संभाला। तो कई माता पिता और बड़े भाई समान हैं, उनको तो आशीर्वाद क्या दे सकते हैं। मगर फिर भी एक ऐसा व्यासपीठ का नियम होता है कि कथा पूर्ण होने के बाद समस्त यजमानों को आशीर्वाद और सबकी मंगल कामनाएं की जाती है। और यहाँ से आभार विधि प्रदर्शन व्यासपीठ से किया जाता है। मंदिर और सब लोग तो और भी करेंगे, परंतु यहाँ से आभार प्रदर्शन, सबसे बड़ा आभार और सबसे बड़ा अभिवादन और आभार तो माँ भगवती का, जो जिन्होंने हमको बिठाया और हमको ये कहने की शक्ति दी। व्यासपीठ से पर आने से पहले बहुत सोच कर आते, आज ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, यहाँ आकर कुछ अलग ही होता है। जो माँ बुलाती है हम वो ही बोल पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला आभार माँ भगवती जगदम्बा का, जो हम सबको मिलाया और हमने 7 दिन तक ये अनुष्ठान किया। उसके बाद ये हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ समस्त दृष्टिमंडल और समस्त सबका आभार जिन्होंने ये आयोजन इस मंदिर में किया और हम उनके सहभागी बने। उसके बाद और एक बड़ा आभार रन्ना बहन और रजनी भाई का, रन्ना बहन की ही सहायता से मैं यहाँ अमेरिका भी आया। और आपने जब से मैं आया तब बहुत परेशान किया यहाँ आने से पहले, और आने के बाद भी बहुत, मगर फिर भी आपने माँ की तरह प्यार दिया और ये कर्म करने के लिए, ये सत्कार्य करने के लिए आपने ही सबसे पहले कहा सागर ये करना ही है और माँ की कृपा होगी। तो एक कार्य करने के लिए जो सबसे अग्रेसर होता है उनका ही बड़ा एक आभार होता है। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा आयोजन करना कोई सरल नहीं है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये। परंतु कार्य शुरू होने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो आगे बहुत मेहनत करते हैं, कई लोगों की मेहनत पृष्ठभाग में भी बहुत होती है।
रन्ना जी, रजनी भाई और साथ में दिलीप भाई जो नेक्स्ट हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, आपने भी बहुत मेहनत की। ये जो व्यासपीठ है ना, ये हम भरत भाई की मोटर से उठा कर ले आए थे, उसको लाना, ये सब कार्डबोर्ड को काटना, बहुत मेहनत आपने भी की, उनका भी खूब खूब आभार, खूब खूब अभिवादन। माँ भगवती जगदम्बा कार्य का अग्रसर और इतनी जो मेहनत की, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी माँ जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना। मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य होते रहे और हम मिलते रहे, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अब कल से कौन कहेगा बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे माँ भगवती उनको बहुत शक्ति दे और हमारे मंदिर में ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सत्कार्य होते रहे, ऐसी माँ भगवती उनको शक्ति प्रदान करें। और सही बात है, हम लोग यहाँ इसलिए अच्छे से बैठ पाते हैं क्योंकि हम पेट भर के खाना खाते हैं। सबसे बड़ा आभार तो खाना खिलाने वालों का कि अन्नपूर्णा ने उनको इतनी शक्ति दी। हमारे पूर्णिमा बहन, क्योंकि पूर्णिमा ने मना किया था कि मेरा नाम लेंगे तो संडे की रोटी बंद, बोलो जय श्री कृष्णा। तो पूर्णिमा बहन और साथ में जोश्ना बहन, उनके साथ निरूबा, भरत भाई और सब लोगों ने, पूरे जो किचन मंडल है, उन्होंने बहुत मेहनत की सज्जनों, उनका आभार हम सही में नहीं मान सकते। ये केवल केवल माँ की कृपा है और उन्होंने किया। तो जिन्होंने पूरे भोजन मंडल की ये व्यवस्था की, ये सब लाए और बनाया, हमको इतना अच्छा भोजन खिलाया, उन सबका खूब खूब अभिवादन। और माँ भगवती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। और गुजराती में कहे तो एमने आपनू पेट ठार्यू, तो माता जी एमनू पेट ठारे, एमनी बड़ी इच्छा पूरी करे। तो माँ की इतनी बड़ी कृपा है। और एक बड़ा आभार आप सब लोगों का जो आप यहाँ पर आए, नहीं तो मैं कथा क्या दीवार को सुनाता। आप सब यहाँ पर आए और आप सबका खूब खूब आभार। साथ में गोपाल भाई भी समय समय पर आए, या दोपहर में फ़ोन किया था, गोपाल भी बहुत आनंद आया, आप आएंगे तो और आनंद आएगा। वहाँ यज्ञ करके थके हुए मगर फिर भी यहाँ पर इतना दूर से आए, आपका भी खूब खूब गोपाल भाई आभार। और मैं यहाँ रहता हूँ तो आप सब जानते हैं कि मंदिर का बहुत कुछ काम होता है, तो मेरे तो भाई जैसे है, दिन भर भाई की तरह रखते हैं। और मैं इंग्लिश इनसे सीखता हूँ क्योंकि और कोई आता नहीं है ना मंदिर में। दिन भर इनका माथा खाता हूँ और इनकी से इंग्लिश सीखता हूँ। तो मुरली कृष्णा जी ने भी बहुत मेहनत से हमको ये सब सजाने में और सब में मेहनत की। आज यज्ञ भी सुबह हमने बहुत अच्छा किया माँ की कृपा से मिलकर, तो मुरली कृष्णा जी का भी खूब खूब आभार। और उनका तो जितना आभार मानो इतना कम है, क्योंकि हर काम में इंश्योरेंस से लेकर डॉक्टर तक सब, क्योंकि कोई भी फोन आता है इंग्लिश में आता है यहाँ के लोगों का, हम तो बात कर नहीं पाते हैं, हम कहते कैन यू प्लीज टे टॉक माय गुड फ्रेंड करके उनको दे देते हैं। तो ऐसी कई सहायताएं सज्जन होती है, तो उनका भी खूब खूब आभार। और साथ में एक संपूर्ण आयोजन में ऐसे नामी अनामी कई लोग हैं जो आकर कभी कभी यहाँ सफाई कर जाते थे, कभी सेवा कर जाते थे, उसमें खास हमारे अनिता जी और शर्मा जी, जो बहुत उनका भी एक बड़ा आभार माने वो कम है, आकर करते थे और सभी उन्होंने बहुत मेहनत की, सबका आभार। बस आप सब से एक निवेदन है कि ऐसी संस्कृति सज्जनों हमारी कहीं बिखर न जाए, हम हमारे भारत से बहुत दूर हैं, हम हमारी संस्कृति भूल न जाए, हम हमारी उस संस्कृति की महत्व को कहीं जाने न दे, इसलिए ऐसे ऐसे सत्कार्य को जीवित रखना बिना आप सबकी सहायता से संभव नहीं है। ऐसी ऐसी कथा सुनकर, ऐसी ऐसी पूजाएं कर हम हमारी संस्कृति को जानते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सब बदल रहा है ना, आधुनिकीकरण हो रहा है। तो जब जब यज्ञ करेंगे, अच्छी साड़ी पहनेंगे, माथे ओढ़ना, ये हमारी संस्कृति है उत्तर भारत की, तो वो जब हम करते हैं तो हमको ये सब हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आज वो रोना जी उनकी जो बंगाली पूरा, मुझे नमस्कार होने का मन करता था। ये देखो, ये अपनी संस्कृति को कितना संभाल कर रखे है। तो ऐसी संस्कृति हमारी जीवित रहे, इसलिए आप सब ऐसे सत्कार्य करते रहे, ऐसी माँ जगदम्बा के चरणों में फिर से एक बार प्रार्थना करके, सबका खूब 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 अभिवादन और अभिनंदन करके, आपने मुझे सुना कहीं 7 दिनों में कहीं कोई ऐसे शब्द मुँह से निकल गए हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना, जो मैंने अच्छा कहा वो सब माँ की कृपा थी।
और कहीं कोई ऐसा मेरे बोलने में आ गया हो तो वो मेरी दृष्टदात ही उसको भूलकर माफ करिएगा। जो कुछ किया वो माँ के चरणों में समर्पित है, ऐसे सत्कार्य होते रहे। माँ भगवती हम सब से ऐसे कार्य करावे। इसके साथ इस वाणी को और इस कथा को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए आद्य शक्ति अम्बे मात की। और अब आगे की दौर मैं रन्ना जी के हाथ में सौंपता हूँ। हाँ जी, एक और तुम्हारे रह गया। हम इतना मेहनत किया और हमारे जो मेहनत की ना उसको हजारों वर्ष तक जीवित रखने वाले और फोटो खींचने वाले हमारे मयंक भाई और हर्षद भाई, उनका भी खूब खूब आभार, क्योंकि वो हम सब के चेहरे को उन्होंने संभाल कर रखा। उन्होंने तो पूरी कथा रिकॉर्ड की और कहा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। मेरी 60 कथा हुई, आज पर एक भी यूट्यूब पर नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। और अमेरिका आके लॉटरी लग गई तो अब यूट्यूब पर चली जाएगी हर्षद भाई की सेवा से। तो कहने का तात्पर्य उनका भी खूब खूब आभार और सबका खूब खूब आभार। श्रवण भाई भी यहाँ पर नहीं है तो उन्होंने भी संगीत का बहुत सेवा किया और उनका भी खूब खूब आभार। उनका ढोल यहाँ है, उनका आभार। हाँ जी, Good evening, everybody. Before, thank you. While Dilip gets everything else ready for the evening, we still have some more things to do. Before I get into the specific and thank yous to everyone, the people who have gone above and beyond, I want to say just a few words to all of you. I had to write it down because I know I would get very emotional if I didn't. This katha has been a tremendous success, and that's because of all of you. All of your devotion and attention has been overwhelming and simply gratifying. To see this many people in our wonderful temple, isn't it awesome temple though? Yeah. It's a testament to the atmosphere, the aura and the general feeling of this mandir, and how lucky we are to have this temple for us and our children, and have Guruji like Sagar Bhai. Mataji sent him, you know. I can't take credit for that. And also my mother, as you all know, that she was Mataji's strongest bhagat. And she always wanted to, so that's why I wanted to have this katha on her memory. So, and I do feel that she's here with me. And all of your generous donations has exceeded our expectations. We're just so thrilled, all of us. All three of us were talking. We're just so thrilled that all of you generously, without anybody asking, and everyone just came, you know, for the malas, har, you know, flowers. We were checking, and the expense of it, we said, okay, no, we will make it. And the first day, we said, okay, if we have two malas, would be enough. And then everybody started bringing one, you know. And then we had more than we needed. It's just awesome. Anita ji, every day, the first time when Gopal bhai brought 4 malas, she started bringing 5 malas every day. And it's just amazing how everyone has come together for this event. I truly, truly am so thrilled and happy. We want to... And I see so many children also. That's one more thing I wanted to say. I'm so proud of you guys. These two girls, and some of the younger ones, they come, they sit through the whole thing. I mean, you have to give them a big hand. It is difficult for you guys to sit this long, and you're doing it wonderful job every day. Thank you so much. You have, I should have.
So before we appreciate our donors and it's our temple tradition to recognize our priests. And I know Sagar Bhai sits here and gives us all this gnan, but Murali Krishna also works on the other side. It can't be done without two of them. Thank you very much, Murali Krishna. Dilip Bhai Yadav will Dilip Bhai Yadav will honor Sagar Bhai.